हाय गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क आप में से बहुत सारे लोग इसे करते होंगे, लेकिन क्या आप जो हार्ड वर्क करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता है? नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। सिंपल सी बात है, हम हार्ड वर्क तो करते रहते हैं, लेकिन हम असली चीज बहुत कम करते हैं, और या फिर हम करते ही नहीं है, एग्जाम के टाइम करते हैं, और वो है रिवीजन। हमारे माइंड में एक चीज घूमती रहती है ना बार बार, एग्जाम आएंगे तब रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम आएंगे तब रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम आ जाते हैं तो रिवीजन होता नहीं है, और अगर होता भी है तो जितना करना चाहिए था उतना नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर। तो इसीलिए सबसे पहले आता है रिवीजन। अगर आप सही टाइम पर रिवीजन करते रहेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पास में वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला सब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर केवल न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे मैथ्स, अकाउंट्स, ओके, 11 12th क्लास में फिजिक्स। दूसरे टाइप के सब्जेक्ट होते हैं हमारे जिसमें केवल थ्योरी थ्योरी होती है, केवल याद करने वाली चीज होती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश। और तीसरे तरह के सब्जेक्ट हमारे होते हैं जिनमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और थ्योरी होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और थ्योरी भी होती है, और साथ ही साथ क्लास टेंथ की अगर बात करें तो उसमें फिजिक्स, साइंस के अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी होती है। तो इन तीन तरह के हमारे पास में सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली। सबसे ज्यादा जो रिवीजन की जरूरत होती है वो होती है सेकंड टाइप के सब्जेक्ट्स में, आपको बताया था मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप में, सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें सेकंड टाइप के सब्जेक्ट्स के अंदर होती है, और हम इसमें रिवीजन करते नहीं है, पेपर के टाइम करते हैं, है ना? क्योंकि सेकंड टाइप के सब्जेक्ट जो होते हैं वो सारे हमें खुद पढ़ने होते हैं, और हम तो खुद पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि हम तो डिपेंड होते हैं स्कूल में कराया जाएगा, ट्यूशन में कराया जाएगा, और जाकर के हम बोलते हैं अपने फ्रेंड से, मेरे ट्यूशन में ना यहां तक हो गया है, मेरे स्कूल में तो यहां तक हो गया है। अरे तेरे स्कूल में यही तक हुआ है क्या? ऐसे बोलते हैं अपने फ्रेंड से हम, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि तुझसे हम बेटर कंडीशन में हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ में, और जो हमारा फ्रेंड होता है उसका ऐसा हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस कितना तेज भाग रहा है स्कूल में, ट्यूशन में, या फिर आप अपने सिलेबस को कितना तेज कर रहे हो। जरूरी बस एक बात, जो करा है आपने, चाहे वो एक चैप्टर हो या दो हो या तीन हो, उनका रिवीजन आपने कितनी बार किया है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे यकीन मानिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी कॉपी भी वेस्ट नहीं होगी, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपको चीजों को माइंड में रिमेंबर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो आप बनना चाहते हैं बड़े होकर के वहां पर पहुंचने के लिए आपका हौसला बढ़ेगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। सिलेबस को चलने दो अपने हिसाब से, जैसा आपका चल रहा है उसे दौड़ाओ मत, क्योंकि जिनका सिलेबस लेट हो है और जिनका पहले है, पेपर सबको एक साथ देना है ना, फिर भी ऐसा होता है कि जिनका सिलेबस धीरे धीरे चलता है वो एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, जिनका तेज खत्म होता है कई बार ऐसा होता है उनके साथ कि वो टॉप नहीं कर पाते। मैं सबके साथ ऐसा होने के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं जो तेज सिलेबस करके भी स्कोर कर लेते हैं, अगर आप वो हो तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चे नॉर्मल होते हैं या वीक होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक भूख होती है कि हम सिलेबस को जल्दी खत्म करें और सामने वाले दोस्त की झंड मारें।
इंसल्ट करें, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं कि सिलेबस तेज करना जरूरी नहीं है, ज्यादा चैप्टर्स करना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आपने रिवीजन कितना किया है। अगर हम टाइप वन की बात करते हैं जिसमें मैथ्स आता है, अकाउंट्स आता है, 11th 12th की फिजिक्स आती है, तो इस तरह के सब्जेक्ट में भी यही होता है। हम जाकर पूछते हैं अपने दोस्तों से, तुम्हारा सिलेबस कितना चल रहा है? इतना चल रहा है। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारा चल रहा है ना। और जब नंबर आते हैं हमारे पेपर में तो ऐसा हो जाता है ना, फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो हमारे फर्स्ट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं इनमें लर्निंग नहीं होती है, इनमें रिटन वर्क होता है, इनमें हाथ दर्द कर जाता है, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई एक चैप्टर था, टाइप फर्स्ट वाले सब्जेक्ट्स में हमारा कोई चैप्टर था, हमने उसे दो बार रिवाइज करा पूरे साल के अंदर, हम बोल रहे हैं हमने यार इस चैप्टर को हमने दो बार रिवाइज किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो पेपर में आए और हम ना कर पाए। और जब पेपर में आता है तो हम नहीं कर पाते, सच में नहीं कर पाते, और फिर हम कहते हैं अबे यार अब क्या होगा भाई, चार नंबर का छूट गया, तीन नंबर का छूट गया, यही होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि आपने उस चैप्टर को साल में दो बार रिवाइज किया है, क्या पता वो चैप्टर ऐसा रहा हो जिसको दो बार की जगह चार बार या पांच बार रिवाइज करने की जरूरत हो। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो एक बार रिवीजन में ही काम चल जाता है, मैं टाइप वन के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो आप चैप्टर देख के समझिए मैथ्स का, अकाउंट्स का, फिजिक्स का, कि ये कैसा चैप्टर है, क्या इसके लिए दो बार रिवीजन जरूरी है, दो बार ही इसके क्वेश्चंस को मुझे पेपर कॉपी में सॉल्व करना है या मुझे चार बार करना है। जब तक आपको उसका एक एक क्वेश्चन ना आ जाए आप करते रहो, कॉपी भरने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है, और कॉपी खरीदने के लिए आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको पैसा देंगे, आपको नहीं सोचना। और ना ही आपको अपने दोस्तों को जाकर के ये बोलना है कि मैंने इतनी कॉपी भर दी है, क्योंकि रिजल्ट में जो नंबर लिखे होते हैं वो सब कुछ बयां कर देते हैं मेरे दोस्त। तो आपको पहले से बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये सब आप कर लो। और टाइप टू में कैसे आपको लर्न करना है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि टाइप टू के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लर्न कैसे करें, उनके लिए हम क्या ट्रिक अपनाएं जिससे हमें जल्दी याद हो जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बाय।